हेलो दोस्तों, हानिया पावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है भाई, टाइगर 3 मूवी दिवाली के मौके पर रिलीज़ हुई थी और आज इस मूवी को कमाई करते हुए 11वां दिन चल रहा है। और दोस्तों, जिस तरीके से मूवी परफॉर्मेंस कर रही है, मूवी अपना जलवा दिखा रही है, उस तरीके से हम कह सकते हैं ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होगी। दोस्तों, मूवी मैंने भी देखी है, स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी। पठान मूवी भी देखी थी, लेकिन पठान मूवी की जो स्टोरी थी उस मूवी से इस मूवी की स्टोरी कहीं बेटर है। स्टोरी भी अच्छी है, एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं। हाँ, पठान मूवी के अंदर जो शाहरुख खान का रोल था उससे अच्छा तो जॉन अब्राहम का रोल था। आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। वैसे हम यहाँ इस वीडियो के अंदर टाइगर 3 और गदर 2 मूवी के बारे में बात करेंगे। टाइगर 3 10 दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर चुकी है और आज टाइगर 3 का 11वां दिन चल रहा है। दोस्तों, लगभग 250 करोड़ रुपए ये मूवी कमा चुकी है अपने 11वें दिन तक, यानी आज तक ये 250 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लेगी। और वहीं बात करूं गदर 2 मूवी का, तो गदर 2 मूवी आप सभी को पता है दोस्तों, 3800 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी और अपने 11 दिनों के अंदर लगभग 400 करोड़ रुपए कंप्लीट कर चुकी थी। पूरे भारत से लगभग 400 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। यानी देखा जाए तो गदर 2 को 3800 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था, टाइगर 3 को 9000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया। अगर स्क्रीन्स की बात करें तो दुगनी स्क्रीन्स हैं टाइगर 3 के पास, और फिर भी गदर 2 लगभग 150 करोड़ रुपए ज़्यादा कमा रही है अपने 11 दिनों के। ठीक है, मैं 11 दिनों का आंकड़ा बता रहा हूँ। दोस्तों, 11 दिनों के अंदर गदर 2 ने लगभग 400 करोड़ रुपए की कमाई की, वहीं टाइगर 3 ने 250 करोड़ रुपए की कमाई की। और बजट की बात करूं तो टाइगर 3 मूवी का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए बताया गया है और वहीं गदर 2 मूवी का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी 5 गुना ज़्यादा बजट तो इस मूवी का है टाइगर 3 का, लेकिन फिर भी कमाई किसने ज़्यादा की? गदर 2 मूवी ने। गदर 2 मूवी की जो सफलता है, उस सफलता के बाद सनी देओल के पास इतना काम है, इतनी फिल्में हैं, बॉर्डर 2 है, बेताब और गदर 3, लाहौर 1947, गायल 2, बहुत सारी मूवी लाइन लगी हुई है सनी देओल के सामने फिल्मों की। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर यही चाहता है कि भाई वो सनी देओल के साथ काम करें। ठीक है, वैसे सलमान खान की मूवी की बात करूं तो दोस्तों, पहले दिन 44 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 60 करोड़, दो दिन के अंदर 104 करोड़ रुपए कमा लिए और आज लगभग 6 करोड़ रुपए कमाती हुई नज़र आ रही है। और कल भी इस मूवी ने 6 करोड़ रुपए ही कमाए। ठीक है, तो कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 दिनों का 250 करोड़ रुपए हो जाता है। और वहीं गदर 2 मूवी का बात करूं तो गदर 2 मूवी ने अपने पहले दिन 41 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 43 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 55 करोड़ रुपए और कुल मिला के लगभग 650 से ज़्यादा का कलेक्शन किया था और अपने 11 दिन 400 करोड़ यानी 150 करोड़ फिर भी आगे चल रही है। दोस्तों, वैसे जवान मूवी की बात करूँ तो जवान मूवी से भी आगे चल रही है गदर 2, यानी 2023 की जो सबसे सफल मूवी बनी है वो गदर 2 मूवी बनी है। ठीक है, तो अब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या टाइगर 3 मूवी गदर 2 मूवी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है या नहीं तोड़ सकती। ठीक है दोस्तों, क्या यशराज फिल्म्स टाइगर 3, स्पाई यूनिवर्स टाइगर 3, गदर 2 मूवी जो कि अनिल शर्मा की डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनी, उस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी? आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप सनी देओल के फ़ैन हैं, सलमान खान की मूवी देखना पसंद करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना,
वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है दोस्तों। और जहां तक हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर अपडेट टाइम